आज एक विद्यार्थी से जो कि बीए सेकंड ईयर का विद्यार्थी है, जो अभी हाल फिलहाल ही मेडल लेकर आया है। आज हम उनसे रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं उन्होंने किस चीज़ में मेडल प्राप्त किया है। सबसे पहले भाई को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया सर। भैया, किस चीज़ में आप मेडल लेकर आए हो, क्या कुछ कहना है आपका? सर, मैं मार्शल आर्ट में मेडल लेकर आया हूँ। स्टेट लेवल पर मुझे सिल्वर मेडल प्राप्त किया मैंने, और ये गोहाना में हुई थी स्टेट लेवल। अच्छा, कितने समय में क्या कुछ प्रतियोगिता चली है ये? सर, पहले मैंने जो जज्जर डिस्ट्रिक्ट हुई थी उसमें मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, जो जज्जर में हुई थी, और वहाँ से ही मेरा सिलेक्शन हुआ था स्टेट के लिए। और स्टेट में मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, जो सोनीपत में हुई, और वहाँ से मेरा सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ है, जो अपने रोहतक MDU में होगी नेशनल। कितने समय में क्या ये मुकाम हासिल किया आपने? सर, मैं लंबे समय से इसी गेम में चल रहा हूँ, मार्शल आर्ट पे ही, और वैसे मैं इंटरनेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, और भी अन्य मेडल प्राप्त किए मैंने, और ये अभी नेशनल में फिर मेडल आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आपको किन किन चुनौतियों का अब तक सामना करना पड़ा है? सर, वैसे चुनौती मैंने दिन रात मेहनत की, और भी अनेक चुनौती आई मेरे सामने, कुछ मुश्किलें आई, फिर भी मैंने पीछे नहीं हार नहीं मानी, और अपने गेम में लगा रहा, और लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया नहीं, और वैसे भी घर परिवार, गांव, राज्य, सभी ने मेरा सपोर्ट किया, पूरा कॉलेज मेरे सपोर्ट में है, और सभी खुश हैं मेडल आने से, और भी खुश हैं, और सभी के ने शुभकामना दी है कि अभी नेशनल में भी मेडल प्राप्त हो। आप किन किन उपलब्धियों को लेकर और किन किन को अपना ये धैर्य देना चाहेंगे? सर, उपलब्धि मैन उपलब्धियों को लेकर क्या कुछ है आपका कहना? सर, उपलब्धियाँ मैंने मेडल क्रेडिट सर मैं अपने कोच रमेश खन्ना को देंगे, जो जज्जर के हैं, वही हमें सिखाते हैं, जज्जर हमारी एकेडमी है, सेंटर है, और वहीं पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और माता पिता को लेकर आप क्या कुछ? सर, मेरे पूरी फैमिली, मम्मी पापा सब सपोर्ट में है, सब खुश हैं, और मेडल आने पर और भी ज़्यादा खुशी का माहौल है, और सभी ने मेरा पूरा साथ दिया, तन मन धन से, मतलब जो भी कुछ मैंने मांगा किसी चीज़ के लिए मना नहीं की। चलो भाई, इसी तरह आगे भी चौपाल तक न्यूज़ के साथ बने रहे। आप इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें।